हम सभी माउंट आबू आए हुए हैं, काफ़ी लोग, कितने लोग माउंट आबू आए हैं? सभी प्राय आए हुए हैं। माउंट आबू में योग लगाना नहीं पड़ता ना, कि योग लगाना पड़ता है वहाँ, सब कुछ जैसे हल्के हैं हम, जहाँ जाओ वहाँ बाबा की नेचुरल हमें याद आती है। मधुबन में क्यों ऐसा होता है? मधुबन में, अच्छा, मधुबन का वातावरण कैसे बना? ब्रह्मा बाबा दादियों की जो अनासक्त भावना के कारण, आज देखो अगर हम हैं, हम वहाँ 20 साल से हैं, मैं जो सेवा कर रहा हूँ, जो ऑफिस है, मैं 24 घंटे ऑफिस में रहूँगा, मान लो पूरी जिम्मेदारी से सेवा करूँगा, लेकिन अलमारी की कोई पिन भी मुझे पता है मेरी नहीं है। वहाँ हर भाई हर बहन जो सेवा करते हैं, उनको पूरी जिम्मेवारी से वो सेवा करते हैं, लेकिन हर एक को क्या मालूम है कि कोई भी चीज़ यहाँ की मेरी नहीं है। हमें योग लगाना क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि हम ट्रस्टी बन के सारा कार्य कर रहे हैं। मुझे पता है ये ऑफिस मेरी नहीं है, यहाँ की एक पिन भी मेरी नहीं है, लेकिन पूरी जिम्मेवारी से हम समर्पित रूप से हम उड़ते हैं, क्योंकि हम ट्रस्टी हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। आप महान हो क्योंकि आप लोगों ने तो घर भी खुद बनाया होगा, बच्चों को बड़ा किया, आप सब जिम्मेवारी से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए आपको भी क्या भाव रखना है? मेरा नहीं है, ट्रस्टी भाव। घर गृहस्थ में रहकर यदि भगवान की याद, बाबा की याद में रहना है, तो पहला कार्य है ट्रस्टीपन। जब तक तेरा करने के बाद ही योग शुरू होता है। अगर किसी भी चीज में मेरा है तो उड़ पाएंगे, बैठेंगे योग, हाँ भाई बैठे, आधा घंटा बैठे, एक घंटा बैठे, लेकिन योग लगा, शक्ति मिली, करंट आई ऊपर से, कनेक्शन जुटा। तो जब तक हम घर परिवार में रहते हुए ट्रस्टी नहीं बनते, तब तक हमारा योग परमात्मा से जुटेगा? हाँ, जुटेगा? नहीं जुटेगा।